एपिसोड की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है जहां दो लोगों की बॉडीज थी और पुलिस और फोरेंसिक की भीड़ लगी थी। एक बॉडी के पास हील्स और वॉलेट के अलावा चोई की एक फोटो पड़ी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम चोई को देखते हैं, जो फिर से हेल्सगेट के बाहर वाली जगह पे पहुंच गया था। वो अपना मरना याद करता है, जिसमें वो 8000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिरा था। वो मन में सोचता है कि उसने बिना पैराशूट के जंप लगाने का सोचा भी कैसे था। तभी उसे रियलाइज होता है कि डेथ उसके पीछे खड़ी थी। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके शूट ही करने वाली थी, ताकि उसकी आत्मा तीसरी बॉडी में जा सके। पर चोई उसे रोकता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरे सर्वाइव करने का चांस है, पर इन डेथ्स को तो रोका ही नहीं जा सकता था। डेथ कहती है कि रोका तो जा सकता था, पर कैसे वो तो तुम्हें पता करना है। चोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि मैं इतनी ऊंचे से गिरा, मेरी गर्दन टूट गई, मेरा सर फट गया। तो डेथ कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि ये पनिशमेंट है, तो पेनफुल तो रहना ही था। चोई सॉरी बोलता है मरने से पहले उसने जो डेथ के बारे में बोला था उसके लिए। तो डेथ कहती है कि तुम्हारा माफी मांगना काफी नहीं है, तुमने जो पाप किया है वो इतना बड़ा है कि भगवान भी गुस्से में आ गए हैं। चोई हैरानी से पूछता है कि मैंने आखिर ऐसा भी क्या किया, मेरा खुद को मारना क्या इतना गलत था। डेथ कहती है कि ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा कि तुमने क्या पाप किया है। अगर तुम ये पता नहीं कर पाते हो तो सर्वाइव करने के बाद भी तुम्हें हेल ही जाना होगा। डेथ फिर चोई से पूछती है कि तुमने आखिर अपनी जान ली ही क्यों। चोई आंसर करता है, क्योंकि मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा था, खुली आंखों में भी और बंद आंखों में भी। चोई बताता है कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। वो अपनी लाइफ इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करता रहा, पर उसे एक जॉब तक नहीं मिल पाई। वो अपने सारे पैसे भी खो बैठा। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे उससे भी रिश्ता तोड़ना पड़ा। उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। डेथ पूछती है, तुमने खुद को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें होपलेस फील हो रहा था। चोई कहता है कि तो उसमें मैंने इतना भी क्या गलत किया, ऐसा तो नहीं था कि मैंने किसी और को नुकसान पहुंचाया हो। इस पर डेथ कहती है कि ध्यान से सोचो, क्या सच में तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। चोई अब थोड़ा इम्पेशेंट होने लगता है। वो कहता है कि मैं क्यों सोचूं, मेरे लिए तो ऐसे भी सब खत्म ही हो चुका है। डेथ कहती है, सोचो ताकि अपने किए पे तुम पछता सको। चोई पूछता है, पछताने से क्या मैं हेवन जा पाऊंगा, क्या मुझे लाइफ में सेकंड चांस मिलेगा, अगर नहीं तो फिर मैं क्यों करूं? डेथ कहती है, तुम्हें शायद अपने अलावा किसी की भी कोई परवाह नहीं है। वो आगे आकर चोई को शूट करती है। इस बार जागने पे चोई खुद को एक स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में पाता है। वो खुद को जाकर मिरर में देखता है और सोचता है कि ये तो मिडिल स्कूल स्टूडेंट लग रहा है, इसकी जान आखिर कैसे गई होगी। तभी वो चमकता हुआ स्टोन उसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम योक्सु है और वो 17 साल का है। जब वो 5 साल का था तब उसके डैड की डेथ हो गई थी, तब से उसकी मॉम अकेले ही घर चला रही थी। उसे सपोर्ट करने के लिए वो दिन रात काम करती थी। उनको इतना मेहनत करता देख वो भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहता था, पर उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में उसे बुली किया जाता था। वो अपनी मॉम से कुछ कहता भी नहीं था ताकि उनकी परेशानी ना बढ़े, पर वो समझ नहीं पाता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से स्कूल उसके लिए हेल बना हुआ है। बुलिंग से तंग आकर आखिर उसने सुसाइड करने का डिसाइड किया था। उसने सुसाइड नोट भी लिख लिया था और जंप करने वो छत की तरफ ही जा रहा था। योक्सो की मेमोरीज आने पे चोई अपने डेस्क में बैठता है और वहाँ उसका लिखा सुसाइड नोट पढ़ता है। चोई सोचता है कि योक्सो ने उसकी तरह ही सुसाइड किया होगा। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो खुद की जान नहीं लेगा तो इस बार वो सर्वाइव कर पाएगा। वो ये सोचकर खुश होने लगा था कि अब उसे हेल नहीं जाना होगा। तभी एक बुली आकर उसे परेशान करने लगता है, पर इस बार वो योक्सो नहीं बल्कि चोई था। वो एक चेयर उठाकर उस बुली को मारता है। उस बुली का एक दोस्त भी था तो वो उसको भी मारता है। बुली को उसके बाल से पकड़कर वो मारने लगता है और कहता है कि आगे से मुझे तंग करने का सोचना भी मत। चोई अभी उसे मार ही रहा था कि उसका एक दूसरा दोस्त आ जाता है जो कद काठी में चोई से काफी मजबूत था। चोई इसके सामने टिक नहीं पाता और फिर तीनों बुली मिलकर चोई को मारने लग जाते हैं और टीचर के आने पर उन्हें रुकना पड़ता है। जो मेन बुली था उसका नाम जिनसांग था और मजबूत वाले का नाम तेस्योक था। चोई जिनसांग की तरफ देखकर सोचता है कि अगर सिर्फ वो होता तब तो मैं उसे हैंडल कर लेता, पर तेस्योक के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्कूल ओवर होने के बाद जिनसांग चोई को स्कूल के ऑडिटोरियम ले जाता है,
जहां उसके दोस्त चोई को पकड़ते हैं और वो उसे बुरी तरह मारने लगता है। कुछ देर के बाद तेसोक उसे रोकने की कोशिश करता है ये बोलकर कि अब बहुत हो गया, तो जिनसांग उसे एक जोर का थप्पड़ लगाता है। जिनसांग तो चोई को और मारता पर एक लड़की के आने पर रुक जाता है। चोई फिर योक्सो के घर लौटता है। घर देखकर वो सोचता है कि ये तो बहुत एवरेज है, मतलब इस बार मैं अमीर नहीं हूँ। योक्सो और उसकी मॉम की फोटो देखकर चोई मन में सोचता है कि इसे भी मेरी तरह एक सिंगल मॉम ने पाला है। वो फिर फ्रिज में लगे एक नोट को देखता है जिसमें योक्सो की मॉम ने लिखा था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, तो वो खाना खा ले। नोट देखकर चोई को अपनी मॉम की याद आ जाती है, वो भी ऐसे ही उसके लिए नोट छोड़ा करती थी। चोई अपनी मॉम को याद करता हुआ सोचता है कि वो गरीबी में अपनी मॉम के साथ रहा है, पर वो कभी अमीर नहीं बनना चाहता था। वो तो बस चाहता था कि उसे नौकरी मिल जाए, फिर वो शादी कर ले और बाकी लोगों की तरह अपनी फैमिली शुरू करे, पर ये सारे कॉमन गोल्स अचीव करना उसके लिए मुश्किल हो गया। चोई को अपनी मॉम की इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि वो उन्हें कॉल करने का सोचता है। वो उनका नंबर डायल ही करने वाला था कि उसे जिनसांग का मैसेज आता है जिसमें उसने उसके लिए पैसे लाने को कहा था। चोई अपनी मॉम को कॉल ना करके मन में सोचता है कि मुझे अपनी करंट लाइफ पे फोकस करनी चाहिए। वो फिर से योक्सो का सुसाइड नोट पढ़ता है और मन में सोचता है कि जिसकी वजह से तुम्हें सुसाइड करना पड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। चोई तेसोक की तरफ देखकर सोचता है कि पहले मुझे किसी भी तरह इसे अपने साथ मिलाना होगा। तेसोक वॉशरूम जाता है तो चोई भी उसके पीछे जाता है। वो तेसोक को भड़काने के लिए कहने लगता है कि मैंने नोटिस किया कि तुम जिनसांग से ज्यादा स्ट्रांग हो, फिर मुझे समझ नहीं आता कि जिनसांग क्यों बॉस है, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए था। चोई ने जैसा एक्सपेक्ट किया था तेसोक का रिस्पांस वैसा ही रहता है। वो कहने लगता है कि मुझे भी उस जैसे के ऑर्डर्स मानना अच्छा नहीं लगता जिसे तुम्हारे जैसे लूजर ने पीट दिया। उसे तो मैं एक हाथ से ही हरा दूं, पर उससे मैं वन ऑन वन लड़ ही नहीं सकता। तेसोक बताता है कि जिनसांग की दोस्ती एक सीनियर से है जो उस पूरे एरिया का सबसे स्ट्रांग इंसान है। उसके सपोर्ट की वजह से ही जिनसांग स्कूल का बॉस बनता फिरता है। ये सब जानकर चोई मन में सोचता है कि मुझे कोई प्लान बनाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोई कैफेटेरिया में लंच कर रहा था तो जिनसांग वहाँ आकर उसका चेहरा बोल में घुसा देता है। फिर हंसता हुआ कहता है कि लगता है तुम्हें खाना बहुत पसंद है, तभी तो तुमने पूरा चेहरा उसमें घुसा लिया है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो चोई चिल्लाकर उसे रोकता है, फिर उसके पास जाकर अपना पूरा खाना उसके सर पे डाल देता है और कहता है कि तुम्हें ये खाना ज्यादा पसंद है शायद, तभी तो तुमने इसमें नहा ही लिया है। चोई फिर दौड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिनसांग तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर तेसोक से कहता है कि वो चोई को पकड़कर उसके सामने लेकर आए, पर तेसोक मना कर देता है ये बोलकर कि अभी वो लंच कर रहा है। तो कैफेटेरिया के सारे स्टूडेंट्स जिनसांग पे हंसने लगते हैं। ऐसी इंसल्ट हो जाने पे वो सीधा अपने सीनियर दोस्त के पास जाता है। एक्चुअली तेसोक ने ऐसा चोई के कहने पे ही किया था। चोई ने उससे पहले ही कहा था कि चाहे वो जिनसांग के साथ कुछ भी करे, वो बीच में इन्वॉल्व ना हो। इधर जिनसांग जाकर अपने सीनियर दोस्त को सब बताता है, जिसके बाद वो सीनियर अपने बहुत से लोगों को लेकर स्कूल पहुंचता है। जिनसांग ने उसे बताया था कि उस पे खाना डालने वाला तेसोक था, पर जब उसे पता चलता है कि असल में वो तेसोक नहीं बल्कि चोई था, तो वो जिनसांग पे गुस्सा करता है और कहता है कि जब तुमसे एक पिद्दी सा लड़का हैंडल नहीं हो पाया तो तुम मेरे दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। चोई ने ऐसा ही आउटकम सोचकर ये प्लान बनाया था। अब अपनी सीनियर दोस्त के सपोर्ट के बिना जिनसांग की कोई इज्जत नहीं रह जाती। सब लोग खुलेआम उसके इंसल्ट करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई रनिंग के लिए पार्क गया हुआ था तो जिनसांग वहाँ आ जाता है जो पूरी तरह से ड्रंक था। वो चोई से कहने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। चोई उसे पे चिल्लाकर कहता है कि सही कहा और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए चोई कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है जिससे उसे पता नहीं चलता और एक ट्रक एकदम उसके पास आ जाता है। उसे तो लगा कि वो गया, पर ट्रक ड्राइवर समय रहते ट्रक रोक लेता है। चोई अभी इसे संभला ही था कि जिनसांग पीछे से उसके सर पे पत्थर से मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब फिर से चोई हेल्स गेट के बाहर उठता है जहाँ डेथ भी थी। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है कि इतने छोटे से बात के लिए उसने मेरा मर्डर कर दिया। वो डेथ पे भी इल्जाम लगाने लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाई ताकि वो सरवाइव न कर सके। वो डेथ पे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे झूठी उम्मीद दी। अब डेथ को गुस्सा आ जाता है। वो चोई को गले से उठाकर दूर फेंकती है
फिर उसके पास जाकर कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती और अगर तुमने दोबारा इस तरह से मुझसे बात की तो मैं तुम्हारा चेहरा क्रश कर दूंगी। डेथ फिर शोई को बताती है कि अगर अपने पनिशमेंट के बीच में उसने अपनी जान ले ली तो उसे हेल से भी भयंकर सजा मिलेगी। फिर वो कहती है कि तुमने सही गेस किया था, युक्सो सुसाइड से मरने वाला था, पर उसके बचने के बाद भी तुम मरे अपने चॉइसेस की वजह से। वो एक बार फिर से चोई को शूट करती है। इस बार जागने पे चोई को रियलाइज होता है कि उसके सर पे कवर डला हुआ है। जो लोग वहाँ थे वो गैंगस्टर्स लग रहे थे। वो लोग चोई को टॉर्चर करते हैं, फिर उसके चेहरे से कवर हटाते हैं। उनमें से जो बॉस जैसा था वो चोई से लड़की और पैसों के बारे में पूछता है। चोई को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इस आदमी की मेमोरीज उसे अभी मिली नहीं थी। वो कुछ आंसर नहीं कर रहा था तो एक आदमी उसके आंख निकालने उसकी तरफ बढ़ता है। चोई चिल्लाकर कहता है कि वो सब कुछ बता देगा, बस अभी तुरंत उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो बॉस एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो मारता उससे पहले वो चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुसता है और उसे इस आदमी की मेमोरीज दिखती है। पता चलता है कि इस आदमी का नाम ली जुहुन था। वो एक सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्सर का काम करता था, मतलब किसी भी तरह से अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करता था। उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के साथ एक लड़की इन्वॉल्व थी जिसे वो पसंद करता था। उसने उस लड़की के साथ भागने का प्लान बनाया था। अपने बॉस से 10 बिलियन चुरा कर उसने एक सेफ स्पेस पे छुपा दिया था। फिर जब वो उस लड़की से मिलने जा रहा था तो पकड़ा गया। ली जुहुन की मेमोरीज के साथ साथ उसकी एबिलिटीज भी चोई में आ जाती है। उन एबिलिटीज की मदद से वो उन सारे गुंडों से फाइट करके उन्हें हरा देता है। चोई मन में सोचता है कि इस आदमी की लाइफ ऐसी है कि ये कभी भी मर सकता है, पर इसके पास 10 बिलियन है। वो उन पैसों को ढूंढने का डिसाइड करता है ताकि अगर वो किसी और के बॉडी में सरवाइव करता है तो अच्छी लाइफ जीने के लिए उसके पास पैसे होंगे। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि वो एक ट्रक के पीछे था। वहाँ पार्कड एक बाइक लेकर वो ट्रक से बाहर निकलता है। उसे रियलाइज होता है कि ली जुहुन बहुत ही अच्छा बाइक चला लेता है। उसने जिन गुंडों से फाइट किया था उनमें से एक को होश आ जाता है, जिसके बाद वो मेन बॉस को ली जुहुन के बारे में बताता है कि वो भाग निकला है। ये जानकर मेन बॉस बहुत सारे लोगों को ली जुहुन के पीछे भेज देता है और उसके ऊपर 2 बिलियन का बाउंटी डाल देता है, जिसे देखकर एक पुलिस वाला भी उसके पीछे जाता है। चोई ली जुहुन के ड्राइविंग स्किल से बसता चला जा रहा था, पर अभी भी बहुत से लोग उसके पीछे लगे हुए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।